वालेकुम भाई, मुल्तान से कराची के लिए रवाना हो रहे हैं और पहले कुछ हल्का फुल्का खाने का ले रहे हैं सफ़र के लिए। उसामा साहब जो है पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। क्या लिया भाई? सैंडविच भी लिया? हाँ सैंडविच ले लिया। चलो बस ये कुछ हल्का फुल्का ले लिया खाने के लिए। छोड़ने के लिए जा रहे हैं जी उजैफा और मुजम्मिल। चलो ठीक है, ओके जी, चलते हैं बस स्टैंड पर। अच्छा जी भाई, बस टर्मिनल पर पहुँच गए हैं और यहाँ से बस टर्मिनल पे आ चुके हैं भाई। जनरल बस स्टैंड मुल्तान, ये बसें खड़ी हुई हैं और हमारी आदिशाह सामने है। तो टर्मिनल पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी पंजाब में 3-4 दिन जो गुजारे हैं सफ़र में गुजारे और तकरीबन तबीयत जो है काफ़ी बिगड़ी हुई है। तो खैर, मुजम्मिल और उजैफा जो है ड्रॉप करने हैं। तो बस बाय बाय कर रहे हैं, चले ठीक है। उसामा है और आज जो है हमारे ड्राइवर साहब चेंज है ज़रा, आज इनके साथ सफ़र होगा इंशाल्लाह। तो सीट हमें खैर अल्हम्दुलिल्लाह आगे ही मिल गई है, तो इंशाल्लाह अब यहाँ से जो है वापसी का सफ़र बांध रहे हैं। जी हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है और टाइम हो चुका है बस के निकलने का, तो इंशाल्लाह हम यहाँ टर्मिनल से निकल रहे हैं। तबीयत आज बहुत डाउन है भाई। अच्छा भाई, सफ़र का आगाज हो चुका है, बस टर्मिनल से निकल रहे हैं। वालेकुम।
अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए 20 मिनट का स्टॉप हुआ है मोटर पे। हम उतर गए थे 11:45 पर। अच्छा जी भाई, यहाँ पर आदिल शाह की एक नहीं 3 बसें मौजूद हैं, और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वही पुरानी हरकतें, घटिया जगह पर जहाँ पर इनको फ्री खाने मिलते हैं वहीं पर ही हमेशा जो है ये लोग अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं। एक बात का अफसोस तो ये होता है कि सबसे पहले तो चाहिए कंपनी को खाना दे ड्राइवरों को, ताकि किसी तमीज़ वाली जगह पर आवाम को रोक सकें। मैं जो है ना खुल के बात करता हूँ, मैं डरता वरता किसी के बाप से नहीं हूँ, कि इतनी बड़ी कंपनी है आदिल शाह और इतने अरसे से चल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, सिंध की माशाल्लाह सकाफत, कि सिंध की धरती पर आप उतरते ही जो है ना वो आपको वॉशरूम जाने के जो है ना पैसे लाजमी भरने पड़ते हैं, और बल्कि लाइनें लगानी पड़ती हैं आधा आधा घंटा की। और एक तरफ वॉशरूम मौजूद भी हैं, वहाँ पर पाबंदी लगी हुई है कि भाई ये बड़े लोगों के हैं, तो मतलब बड़े लोग के लिए जो है ना VIP और आम पब्लिक के लिए कचरा। खैर, बसों वालों की ये घटिया हरकतें बचपन से ही देख रहे हैं और ये देखते ही रहेंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अब जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर 2 जगह वॉशरूम है, लेकिन एक ही जगह पर लाइन लगी हुई और रश लगा हुआ है। चलें खैर, वो छोड़ें, आपको मैं शाहिद कोच दिखा दूं। काफ़ी अरसे से मेरा दिल है सवात में इसमें जाने का, तो देखते हैं इंशाल्लाह कब ये ख्वाहिश भी पूरी होती है।